चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। दलित आंदोलन जमीन पर उतर रहा है और आपके सामने टकराने के लिए तैयार है, चाहे वो हम जमीन पा के रहे। मर तो सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बीजेपी को छोड़ करके कोई भी सरकार हमारे लिए सेटेबल है, लेकिन ये लगता है कि बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं है। गांव में खसा नंबर 1663 में 21 बिस्से जमीन मेरे नाम है तथा 21 बिस्से मेरी पत्नी के नाम है, जिसका मौके पर 12 बिस्से रकबा कम था। 12 बिस्से रकबा पूरा करने के लिए मैंने डोलबंदी की कार्रवाई की थी। डोलबंदी की कार्रवाई में एसडीएम सघना ने 2010 में मेरा रकबा पूरा कर दिया था, जिसमें 14 मीटर गहराई में तथा 65 मीटर लंबाई में सड़क के किनारे मेरी जमीन मुझे जमीन दे दी गई थी। उसके बाद धर्मेंद्र भारद्वाज MIT कॉलेज का सचिव, उसने मेरे खेत को जुतवा दिया और मेरी खड़ी फसल को भी जुतवा दिया था। ये दिनांक 21/11/2018 को मैं कचहरी जा रहा था, पुलिस की गाड़ी यहाँ आ गई थी। पुलिस वालों ने कहा कि आपको जो पटवारी साहब बुला रहे हैं, वो इंस्पेक्टर साहब भी बुला रहे हैं, आप अपनी बात वहाँ बताओ, आप अपनी जमीन के बारे में। और मेरा जो है धारा 151 में चालान कर दिया, तो मेरा वारंट बना करके मुझे जेल भेज दिया। और जो मैं जेल चला गया, अगले ही दिन तुरंत यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भेज करके और पूरी जमीन को तीन चार चार गाड़ियाँ लगा करके रातों रात जनरेटर चलवा करके उस पर अवैध रूप से जो है कब्जा करा दिया और गेट लगा दिया। अरे ले जाओ इधर सारा सामान, हाँ उठा लो इनका सब सामान, हाँ गेरना कुछ नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं करनी के, सामान इनके उठवा लो। ये धर्मेंद्र भारद्वाज कौन है? धर्मेंद्र भारद्वाज ये इसके न्यूज़पेपर सोसाइटी एजुकेशन के सचिव है, भाजपा नेता है, पहले बसपा में थे अब भाजपा में। इनका एक बहुत बड़ा भू माफिया गैंग है जो इस तरह से कर रहा है, धोखाधड़ी का ही काम करता है और लोगों को फंसा लेता है, कब्जा कर लेता है। एक जो जाट है बिरादरी सा चौधरी, वो हमारी ज़मीन में को ज़बरदस्ती रास्ता निकालना चाह रहा है। ये जी मिट्टी डाल के इसमें जो है चक्रोड़ निकाल दे ज़बरदस्ती। अच्छा, पटवारी का इसमें पूरा हाथ है। आपने पटवारी को बुला के दिखाया? पटवारी को बुला के दिखाया, पटवारी कह लगा ये ज़मीन तुम्हारी है ही नहीं भाई, हमारी नहीं है तो हमारी जहाँ है वहाँ दे दो। हमने कहा उससे, उनका डोलबंदी का दरख्वास्त दे अपनी SDM साहब के यहाँ। हमने SDM साहब के यहाँ डोलबंदी की दरख्वास्त दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। दलितों को डराया जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है, गांव से निकलने आदमी निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और कैसे रख पाए, जिसकी जमीन है उसको 151 में 3 दिन तक जेल में भेज दिया गया और 3 दिन में ही निर्माणाधीन निर्माण करवा लिया गया। बीजेपी जिस तरीके से उत्पीड़न दलितों के साथ और गरीबों के साथ ये कर रहे हैं, ये निहायत ही निंदनीय है। और इसके लिए हम अधिकार पा के रहेंगे और ये जमीन, जाहिर सी बात है जमीन तो हम लेके रहेंगे। अगर हमारा जमीन का तक ये नहीं रुका और ये ढांचा नहीं ढहा गया, तो हम एक मेरठ में एक नया आंदोलन आ रहा है, दलित आंदोलन जमीन पर उतर रहा है और आपके सामने टकराने के लिए तैयार है, चाहे वो हम जमीन पा के रहेंगे।
कुछ भू माफिया जो पहले से ही मजबूत हैं, परिपक्व हैं, समृद्ध हैं, वो एक ऐसे दलित को, पिछड़े को, गरीब को दबाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये केवल अमीरों की सरकार है और कुछ चंद गुंडों की सरकार। मैं वहां तक लौटूंगा जहां तक दिन निकलता है। यदि मेरे जैसा समाज का पढ़ा लिखा आदमी जो 30 साल 28 साल तक जो पुलिस में सेवा की, जनता की हर चीज को जानता है, कानून को भी जानता है, और अब भी मैं कानून से ही जुड़ा हुआ हूँ, वकील हूँ, वो वहाँ तक लड़ूंगा जहाँ तक दिन निकल रहा है, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मर तो सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। ये ले रहा हूँ।